नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मुझे पता है कि जब संगीत सीखते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ आप लोग करते हैं, जैसे कि हारमोनियम बजाना, कीबोर्ड बजाना, तबला बजाना, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो आपका ही क्वेश्चन था कि जब हम कीबोर्ड बजाते हैं उसको रिदम में कैसे बजाएं। देखिए, वैसे देखा जाए तो कीबोर्ड और हारमोनियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने हारमोनियम में कैसे बजाना चाहिए, मतलब हारमोनियम को आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे कैसे यूज़ करना चाहिए या हारमोनियम के साथ आप रियाज़ कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और कीबोर्ड के लिए भी मैंने बनाया है, लेकिन कीबोर्ड मैं बजाती नहीं हूँ क्योंकि कीबोर्ड मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कीबोर्ड मतलब एक वेस्टर्न म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अगर मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करूँ तो वो उसमें हारमोनियम आता है, तानपुरा आता है, लेकिन कीबोर्ड वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए बजाया जाता है। बट हमारे जो भी मतलब फिल्मी म्यूज़िक है, जब सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो फिल्मी म्यूज़िक है, तो फिल्मी म्यूज़िक में कीबोर्ड का प्रयोग ही होता है। मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बजाए, क्योंकि जैसे आप म्यूज़िक बजाते हैं ना, जैसे आप फिल्मी गाने गाते हैं तो बीच बीच में जो म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक का पीस आता है, तो उस किस में बजाते हैं, ज़्यादातर 90% मतलब कीबोर्ड में होता है। पर वो तो वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं है, वो इंडियन म्यूज़िक भी है लेकिन तो भी बजाते हैं। तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं वो तो वेस्टर्न म्यूज़िक में बजाते हैं। लेकिन क्या है कि जब कोई कीबोर्ड बजाते हैं तो वो सीखते जब है तब वो वेस्टर्न म्यूज़िक के स्टाइल में भी सीखते हैं। मतलब पहला कंसेप्ट ये था कि वो अगर कीबोर्ड सीखेंगे तो वो वेस्टर्न म्यूज़िक सीखेंगे, लेकिन आजकल जो सिनेरियो है थोड़ा बदल गया है। आजकल इवन क्लासिकल म्यूज़िक भी सिंथेसाइजर में बजाते हैं, कीबोर्ड में बजाते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, उसका कंसर्ट भी होता है। मतलब लोग कीबोर्ड में राग बजाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आज मैं जो बात करूंगी कि अगर कीबोर्ड आप बजाते हैं लेकिन उसको आप रिदम में बजाना चाहते हैं, तो बात वो है कि चाहे आप कीबोर्ड में बजाए, चाहे आप हारमोनियम में बजाए, रिदम में बजाना या रिदम में गाना एक अलग ही किस्सा है, अलग ही प्रैक्टिस है। अगर आपको मानो थोड़ा बहुत बजाना आता है, गाने वाने बजाना कीबोर्ड में आता है या हारमोनियम में आता है, अभी मैं आज कीबोर्ड की बात करूंगी क्योंकि मैं हारमोनियम का बात नहीं करूंगी, पर आप समझ लीजिएगा मैं जो कीबोर्ड के लिए बात करूंगी वो हारमोनियम के लिए भी अप्लाई होगा। पर यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है हारमोनियम और कीबोर्ड में। हारमोनियम में सिर्फ ट्यून बजता है, कोई रिदम नहीं बजता है। आपको अगर रिदम में बजाना है तो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो लाइव हो, लाइव तबला, लाइव मतलब कोई भी परकशन, कॉन्गो, बोंगो, ढोलक, कुछ भी बजा सकता है, वो आप हारमोनियम के साथ बजाते हैं। लेकिन कीबोर्ड में आप उसमें ताल दिया हुआ है, मतलब रिदम दिया हुआ है। इवन कुछ बड़े बड़े कीबोर्ड आता है आजकल, उसमें इंडियन ताल लिख के इंडियन ताल भी बजाया जाता है। उसमें ढोलक भी होता है, तबला भी होता है, तबले के अलग अलग बोल भी होते हैं, तबले के अलग अलग ताल भी होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग आजकल उसको यूज़ करके भी बजाते हैं। पर ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह में वो मान्य नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए आप बजा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कीबोर्ड है जिसमें इंडियन ताल बजता है तो बेशक आप बजाइए, उसमें आप कर सकते हैं। तो मेरे पास भाई, मैं तो रही क्लासिकल वाले आदमी, मेरे पास कीबोर्ड क्यों होगा भला, पर एक छोटू सा मैंने कीबोर्ड रखा है मेरे पास बच्चों को दिखाने के लिए या कभी ऐसा कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने एक छोटा सा रखा है। तो उसमें मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना तो मैं कह सकती हूँ इस कीबोर्ड में। तो पहले आपको क्या करना है, इसका जो मतलब रिदम पार्ट है वो आपको समझना है। जैसे कि मैंने मानो कि जैसे मैं बजा रही हूँ,
हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो आप एकदम इजी गाने लीजिए। अगर आप एकदम भारी भरकम कुछ फिल्मी गाने ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इससे अच्छा कि बहुत बेसिक गाने। देखिए, अभी मैंने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लिया, तो मैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में ही बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे कोई छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको उनको भी समझ में आ जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, फिर इसी चीज़ को आप दूसरे में अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, जैसे इसका रिदम है, हाँ, एक रिदम है। अब इसको मैं कुछ ताल नहीं बोल सकती हूँ, हाँ इतना बोल सकती हूँ, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारा 1 2 3 4 का क्या ताल है, कहरवा हो सकता है, ठीक है, त्रिताल तो मैं नहीं कहूंगी इसको, कहरवा हो सकता है। तो मैं इसमें ट्राई कर लेती हूँ, आप रिदम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसका जो टेम्पो है, कम हो गया। या तो क्या किया, एक बेसिक एक रिदम ले लिया। अब इसमें बहुत सारे रिदम को आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाऊंगी, पूरे अलग अलग रिदम को आपको समझाऊंगी, तो एक घंटा दो घंटा का वीडियो हो सकता है। आपको जस्ट मैंने एक बेसिक नॉलेज दिया कि भाई आपके पास जो भी कीबोर्ड है उसका जो रिदम है वो पहले आप अदल बदल करके देखिए। देखिए, ये जो अभी जो ये रिदम पैटर्न था, इसको मैं अगर चेंज करूं तो फिर वेस्टर्न बीट है, सीधी सी बात है, ये वेस्टर्न बीट है, ठीक है। अब वेस्टर्न बीट में अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल उसका जो रिदम पैटर्न है बिल्कुल अलग है। हमारे इंडियन इसके साथ थोड़ा बहुत कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, बहुत सारे हो सकता है। हमारे जैसे इंडियन बहुत सारे ताल है, वैसे उनका है। अभी आपको कैसे करना है, आप क्या कीजिए, देखिए ये जो क्वेश्चन मुझे किया है वो एकदम बेसिक ही सीख रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी बेसिक है आप उसको एक रिदम में फिक्स करके आप अलग अलग सरगम बजाइए। सरगम मतलब अलंकार, सारे गा रे गा मा, सारे गा मा रे गा मा पा, 4/4 बीट के, 3/3 बीट्स के, आप ढूंढिए उसमें 3 बीट्स के, 4 बीट्स के, 8 बीट्स के, आप ढूंढिए। आपको एक बेसिक रिदम समझ में भी आएगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा। आप चाहे गीत बजाए, चाहे आप कोई भी क्लासिकल बजाए, चाहे आप वेस्टर्न बजाए, आपको रिदम का नॉलेज तो होना ही होना है। इसलिए रिदम का नॉलेज के लिए अगर हो सके तो आप बेसिक ताल सीख लीजिए। मेरे चैनल पे, रियाज गुरु चैनल पे, मैंने तालों का पूरा एक सीरीज बनाया है, अलग अलग तालों का, वो आप एक बार देख लीजिए, उसको आप सीख लीजिए,
भाई ये मतलब छह मात्रा का है तो करताल का नाम क्या है, कहरवा है तो उसमें मात्रा क्या है, त्रिताल है तो उसमें मात्राएं कितनी है। तो ये नॉलेज अगर आप ले लेंगे ना तो एटलीस्ट आप बेसिक बिल्कुल बजा पाएंगे। तो मुझे आशा है कि ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे योग्य समझते हैं कि मैम को पूछा जाए तो मैम इसका जवाब ठीक ठाक देंगी। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और आप चैनल को प्यार दीजिए। प्यार कैसे दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, तो इस तरीके से आप आपका प्यार दिखा सकते हैं। तो चलिए और एक अच्छा नया वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।